देखिए मैम, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर आपको प्राइवेट वार्ड महंगा पड़ रहा है तो हम जनरल वार्ड के लिए बात कर सकते हैं ना। एक सेकंड डॉक्टर, ये महंगा सस्ता किसने पूछा आपसे? हाँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपको ये हेल्पलेस लग रहा है या मजबूर लग रहे हैं? आप जानते हैं कितने बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके अंकल जी, पैसों की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कि बेटे एक NRI है, डॉलर्स में कमाते हैं वो, लेकिन तब भी आज तक एक पैसा भी नहीं लिया इन्होंने उनसे। ऐसे है हमारे अंकल जी। प्राइवेट रूम क्या, ये VIP रूम तक अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर अंकल जी का मन नहीं कर रहा है ना, तो मन नहीं कर रहा है, सिंपल। डॉक्टर प्लीज, आप डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करिए, हम आज ही घर जाएंगे, है अंकल जी? वैसे भी लाइफ जीने के लिए है, ऐसे हॉस्पिटल बेड पे वेस्ट करने के लिए नहीं है, करेक्ट? अरे बद्री, गाड़ी आ गई। कैसे हैं मास्टर जी? मास्टर जी, अरे अम्मा जी। हाँ, अब अभी ले आए मास्टर जी को। अरे बद्री, ये खोल, ये व्हीलचेयर निकाले जल्दी से। आराम से मास्टर जी। अम्मा, अस्पताल वालों ने इतना जल्दी कैसे छोड़ दिया? आराम से। हमें जैसे ही पता चला ना मास्टर जी, दौड़े दौड़े चले आए हम। जरा भी भनक पहले लगती तो टूर वूर छोड़ के ट्रेन रुकवा देते। घूम जाइए, पैर कशी देर। कुसुम, अरे इतनी जल्दी आ गए आप लोग? अच्छा मैं क्या कह रही थी? आंटी जी, सब कुछ अभी ही पूछेंगे क्या? आइए आप, अभी अभी लौटे हैं ना हॉस्पिटल से, आइए थोड़ा आराम करने दीजिए इनको, हम करते हैं आपसे बात। आइए। बद्री, एक काम करो, अंकल आंटी जी को अंदर लेके जाओ, हम अभी आते हैं। एक मिनट, दरवाजा ठीक से खोलते। एक सेकंड, अब क्या लेने आए हैं आप लोग? लेने? हम अंकल जी की तबीयत पूछने आए हैं। कैसे हैं अंकल जी? और नहीं तो क्या। पहले तो इतनी बेइज्जती की कि अंकल जी को हार्ट अटैक आ गया, और अब आप तबीयत पूछने आए हैं। वाह, कितने फ्रॉड लोग हैं ना आप सब। और आंटी जी, आप उस दिन मोहल्ले में क्या कह रही थी आप? अंकल जी आपको बेईमान लगते हैं। वैसे तो आंटी जी की बेस्ट फ्रेंड बनती है आप, और उनकी पीठ पीछे इतनी बुराई, उनसे हल्दी नमक मांगती है और फ्रेंड से ही नमक हरामी। ये क्या बकवास कर रही हो? बक नहीं रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है पूर्वी। और आप लीगल नोटिस भेजे हैं, आप मास्टर जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जगन्नाथ मिश्रा को जानते ही नहीं हैं। वो प्राण की बाजी लगा देंगे, लेकिन सत्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अरे डरते नहीं है वो, वकील वकील से जाइए, जो करना है आपको कीजिए, पर इतना जरूर समझिएगा कि अकेले नहीं है वो दोनों, हम हैं उनके साथ। और पहले मास्टर जी ने कहा था, अब हम कहते हैं, बिरेन अंकल के पैसों में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी आप लोगों को।
और आप और आप तीनों सुनिए ध्यान से। ये मत समझिएगा कि अंकल जी के बच्चे अगर उनके पास नहीं है ना तो वो अकेले हैं। जब तक हम और काशी है ना उनके साथ, वो कभी अकेले नहीं होंगे, कभी नहीं। अरे उनसे तो बाद में बात होगी आपकी, पहले हमसे निपटना। आज से हम दोनों इस घर के और अंकल आंटी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। यहां से आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी परमिशन चाहिए होगी। अच्छे से ओढ़ लीजिए पंडित जी। अम्मा ठंड लग जाएगी। अम्मा मास्टर जी की सारी दवाइयाँ ले आए। अच्छा। अंदर पर्चा भी है, कौन सी दवाई कब देनी है तुम समझ लो, हिंदी में लिखवा लिया है सबको। काशी आंटी जी को टेंशन मत दो, तुम दवाइयों का शेड्यूल हम देख लेंगे, हम है ना। अरे बेटा ये पूजा की थाली किस लिए? हमने अंकल जी के लिए पूजा की है आज, हमने कभी इतनी पूजा नहीं करी है, कभी मांगा ही नहीं कुछ अपने लिए, तो हमें लगा कि शायद भगवान जी हमारी बात सुन ले और अंकल जी को जल्दी से ठीक कर दे। अंकल जी प्रसाद खाइए ना, सिर्फ नारियल और चीनी है इसमें। काशी ये पकड़ोगे प्रिस्क्रिप्शन का अंकल जी? ये दवाइयाँ खाली पेट नहीं लेते। आंटी जी हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से जाके सूप बना लाते हैं, अब इतना तो सीख ही गए हम यहाँ पे। काशी हमारी मदद करोगे ना? हाँ, हाँ। चलो किचन में चलते हैं, हम आते हैं अभी आंटी जी। हाँ? चलो काशी जल्दी। देख रहे पंडित जी, एक तरफ अपने बच्चे हैं, जितना भी नहीं समझते कि पता करे कि बाप जिंदा है या मर गया, दूसरी ओर ये पराए बच्चे जो अपने भी नहीं। कौन पराया, कौन पराया? कुसुम, जिनसे हमारा दिल मिल जाए और जो मुसीबत में हमारा साथ दे, वही हमारे अपने हैं। सही बात है ना? काशी अब ना अंकल जी को और चलने नहीं दे सकते, बहुत हो गया। आंटी जी को भी और स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, बेबी दीदी से तो हम सब काम करा लेंगे और उनको बता देंगे सब कैसे करना है क्या करना है। हेलो, कहाँ खोए हुए हो तुम? क्या हो गया? सोच रहे थे कि जब हम हरिद्वार गए थे ना, तो हमने तुम्हें अपने घर की चाबियां दी थी। हाँ वो है हमारे पास, हम लाए क्या अभी? नहीं नहीं, डुप्लीकेट चाबियां हैं हमारे पास। हम तो बस ये कह रहे थे कि जब हम गए थे तो हमें पता नहीं था कि तुम हमारी अम्मा का घर संभाल पाओगी कि नहीं। हाँ।
I'm sorry, काशी, हम तुम्हारे पीछे से कुछ भी काम नहीं कर पाए. I'm really sorry. ना तुम्हारे कमरे को धूप दिया, ना आंटी जी के मंदिर में दिया जलाया और तुलसी में पानी भी नहीं डाला. तुम बहुत गुस्सा हो गए ना हम पे, पर काशी हम अंकल आंटी जी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे. I know तुम फील कर रहे होगे कि हमारे पास तुम्हें चाबियां छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था. हम है ही इतने बुद्धू. पूर्वी, जो तुमने किया है ना हमारे मास्टर जी के लिए, हमारी अम्मा के लिए, हमें तो लगता है कि हम तुम्हारे पास चाबियां छोड़ के गए बहुत अच्छा किया कि तुम्हारे हाथों में हमने सौंपी चाबियां, बिल्कुल ठीक हाथों में. सही किया. तो हम पास हो गए. ते पास, 100 में से 100 नंबर आए हैं तुम्हारे. एक बात बताए, हम परख रहे थे तुम्हें, तुम हमारी परख में एकदम खरी उतरी हो. थैंक्स काशी, यू आर अ रियली गुड फ्रेंड. आज तुमने हमें बहुत खुश कर दिया. चल रहा है. अम्मा जी, अम्मा जी, रख दे. अम्मा जी, आपने मंगवाया था ना ये? हाँ. ले आए हैं ये. रख दे. क्या है ये? बेड पैन है. डॉक्टर ने आपको उठने के लिए मना किया है ताकि खुल सकते हैं ना. मतलब हमें सब कुछ अब बिस्तर पे ही. क्या बात कर रही हो कुसुम? हमसे ये सब नहीं होगा. बच्चों की तरह हम बिस्तर पे ही. इतनी बेइज्जती तो मत कराओ हमारी. तुम बेटे, तुम ही ले जाओ. जब जब ले जाओ तुम. बद्री नहीं, रख रख, तू रख और जा. तू जा, तू जा ना. जा जा. पंडित जी, पंडित जी, देखिए हम जानते हैं आप आत्मनिर्भर है, लेकिन ये तो समय की जरूरत है. आपको दिल का दौरा पड़ा है पंडित जी. डॉक्टर ने कहा आपको आराम की जरूरत है. इस अपमान से तो अच्छा था मर ही जाते. एक बार आपने ये कह दिया, दोबारा ऐसा मत कहिए, मर जाते. आपके लिए बहुत आसान है ना ये कहना, मर जाते. आपके कहने से जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाए, उन पर क्या बीत रही होगी, हम पर क्या बीत रही होगी आप सोच रहे हैं पंडित जी. बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब कुछ पुराने जैसे हो जाएगा. अरे पंडित जी, सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं. इस उम्र में आप चल रहे फिर रहे, सब काम अपने आप कर रहे हैं. उन बूढ़ों के बारे में सोचिए जो चल भी नहीं सकते, उनका आत्मसम्मान चलनी नहीं होती, उनको अपमान झेलना नहीं पड़ता. या वो भी आपकी तरह कहते, मर जाएंगे मर जाएंगे. जीवन एक तपस्या है पंडित जी, हर समय इम्तिहान देती है. इस समय हमें इस इम्तिहान से गुजरना है. जब जन्म ही लिया है, इम्तिहान तो देना पड़ेगा. सब बड़ी बड़ी बातें करके हमें बहलाने की कोशिश मत करो कसम. ये इम्तिहान नहीं है, मजबूरी है, बेबसी है. बुढ़ापा आदमी को इतना मजबूर क्यों कर देता है कसम? क्यों? Thank you.
पूर्वी, बेटा हम जा रहे हैं अस्पताल, हैं? डॉक्टर से मिलने। अंकल जी तेरे सो रहे हैं, दवा ववा सब दे दी उन्हें? हाँ जी आंटी जी। खाना भी खा लिया, पर अगर वो कुछ मांगे तो दे देना बेटा, ठीक है? हाँ जी आंटी जी। काशी, मदद कर, अब हमसे नहीं चढ़ा जाता। ध्यान से चढ़िएगा। त्रिपाठी जी, यही है उनकी वाइफ। प्रणाम माता जी। ये सब क्या है माता जी? अरे भाई, आप लोग इस बेचारे के पिता का पैसा इसको क्यों नहीं दे देते हैं? भाई आप लोगों की कंप्लेंट आई है। एक मिनट, आप होते कौन है हमारी अम्मा से ऐसे बात करने वाले? काशी, हम बात कर रहे हैं, आप कौन हैं? अच्छा किया माताजी, जो इन्हें शांत करा दिया। हमारा परिचय है, हम हैं सुबोध कांत त्रिपाठी। इस साल यहीं से एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमें भी अच्छा नहीं लगता आपसे सवाल करने। आप हमारी बड़ी बुजुर्ग हैं, माँ जैसी हैं। अब ये फरियाद लेके आया है तो इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो आप अपने पति को समझाइए कि इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे क्या करेंगी इस बेचारे का हक छीन कर। राधे श्याम भैया आइए जरा, बिलाल आइए, जगमोहन सब आइए, बहन आइए जरा, जरा आइए आइए। आप लोग हमारे परिवार को कब से जानते हैं? बरसों से जानते हैं ना? पंडित जी कितने चरित्रवान और कितने ईमानदार हैं, जानते हैं ना? तो बताइए, आज ये एमएलए के प्रत्याशी, क्या नाम बताया आपका? जी सुबोध कांत त्रिपाठी। ये कंप्लेंट लेके आए हैं, इस लड़के का फरियाद लेके आए हैं, जिसे जीवन भर अपने पिता का अपमान किया, जिसके पिता अपनों के होते हुए दूसरों से अपनापन ढूंढते रहे, इस लड़के की फरियाद लेके आए हैं, जिसने अपने पिता का लाश जलते हुए छोड़ दिया था चिता पर और क्रियाकर्म भी नहीं किया, इस लड़के के फरियाद लेके आए हैं आप साहब। ए? वो क्या है ना कि मृत पिता को बड़ा विश्वास था पंडित जी पे, इसलिए उन्होंने उनको इनकी वसीयत सौंपी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे औलाद के हाथ लगे वो वसीयत। बस खैर, सच का साथ देने के बजाय आप अगर इस पाखंडी का साथ देना चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग तय कर लीजिए कि वोट किसको देना है, आप समझ लीजिए। नमस्ते, चल काशी। कुसुम, अरे सुन रही हो क्या? कुसुम, क्या हुआ पंडित जी? कुछ हो, काम है का? वो हमें जरा बैट पेन चाहिए था। थोड़ी देर रुक जाओ पंडित जी, पंडिताइन आती होंगी। तुम्हें काम करो, ये नीचे बैट पेन रखा हो ना, ये जरा हमें पकड़ा दो। क्या है रहे ना पंडित जी, थोड़ा इंतजार कीजिए ना, पंडिताइन को आने दीजिए, आती होगी पंडिताइन। कुसुम,